देख रहे हैं आज तक आपके साथ मैं हूं मलिका मल्होत्रा और इस बुलेटिन में बात करेंगे दिल्ली पर पड़ रही दो तरफा मार की। दिल्ली को डेंगू का डंक कैसे लगा है? प्रदूषण से बेहाल दिल्ली को डेंगू के डंक ने बीमार कर दिया है। कोरोना फिलहाल काबू में है मगर डेंगू बेकाबू होता जा रहा है। आगे बढ़ने से पहले कुछ आंकड़ों पर नजर डाल लेते हैं क्योंकि ये आंकड़े वाकई डराते हैं। दिल्ली में डेंगू का डंक, डेंगू का कहर किस कदर बढ़ रहा है। एक हफ्ते में 1171 केसेस अब तक सामने आ चुके हैं। 9 मरीजों की मौत हुई है दिल्ली में डेंगू की वजह से। 2015 की अगर बात करें तो डेंगू ने दिल्ली में कहर मचाया था। अक्टूबर में 10,000 के पार डेंगू के मरीज हो गए थे और लगातार ये संख्या उस वक्त बढ़ी थी और इस वक्त भी दिल्ली में डेंगू का कहर बरप रहा है। मच्छर जनित बीमारी का प्रकोप बढ़ रहा है। 3 साल में डेंगू के ये सबसे ज्यादा मामले हैं और अगर मौत के आंकड़े की भी बात की जाए तो 3 साल में ये आंकड़ा सबसे अधिक है। इस साल 2700 केसेस सामने आ चुके हैं। 2020 में 1072 केसेस डेंगू के मिले थे। 2019 से 2036 केसेस 2019 में सामने आए थे डेंगू के। तो दिल्ली में लगातार डेंगू का प्रकोप कैसे बढ़ रहा है उसी से जुड़े ये महत्वपूर्ण आंकड़े आपको दिखा रहे हैं क्योंकि ये एक गंभीर बीमारी है और इससे बचना बहुत जरूरी है। तमाम एहतियात बरतने बहुत जरूरी है क्योंकि महज हफ्ते भर में दिल्ली में डेंगू के मरीजों की संख्या 1100 के पार चली गई है। जिस तेजी से दिल्ली में डेंगू का कहर बढ़ रहा है वो बेहद डराने वाला है। राजधानी में जिस रफ्तार से डेंगू के मरीज बढ़ रहे हैं वो चिंता बढ़ाने वाला है क्योंकि अचानक ही दिल्ली में डेंगू के मामलों में भारी इजाफा हुआ है जिसके चलते अस्पतालों में डेंगू के मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है। बीते एक हफ्ते में दिल्ली में डेंगू के 1171 केस सामने आए हैं जिसमें से 9 मरीजों की डेंगू से मौत हो गई है। इस वक्त हम LNJP हॉस्पिटल में हैं, जो दिल्ली सरकार के सबसे बड़े मेडिकल फैसिलिटीज में से एक है और ये जो डेंगू का डेडिकेटेड वार्ड है वहां पे हम हैं। ये वाला जो क्यूबिकल आप देख रहे हैं ये असल में थोड़े स्टेबल पेशेंट्स हैं। वो पेशेंट्स थे जिनकी शुरुआत में ब्लड प्लेटलेट्स बहुत कम थी, उनको यहाँ पे एडमिट किया गया। ये वार्ड्स पहले डेडिकेटेड कोविड फैसिलिटी हुआ करता था जिसको अब दिल्ली में बढ़ते हुए डेंगू के केसेस की वजह से इनको डेंगू वार्ड्स में कन्वर्ट किया गया है। हालांकि डॉक्टरों का कहना है कि डेंगू के ज्यादातर मरीज ऐसे आ रहे हैं जिनमें बुखार और बदन दर्द की शिकायत ज्यादा है। इसमें 3 तरह के लक्षण होते हैं। एक तो ये लक्षण माइल्ड होते हैं, जो फीवर आता है और थोड़ा प्लेटलेट ड्रॉप करके 2-3 दिन में ठीक हो जाता है। उसमें मांसपेशियों में दर्द, आंखों के पीछे के हिस्से में दर्द, बदन में बहुत तेज दर्द, इसको हड्डी तोड़ बुखार भी कहते हैं, बोन ब्रेकिंग फीवर कहते हैं। और इसके साथ साथ कमजोरी का होना, प्यास लगना और पूरे बदन में मांसपेशियों में जकड़न और दर्द होना, इसका मेन लक्षण होता है बुखार के साथ। तो इसकी रोकथाम बहुत ज़रूरी है। और दूसरा जो डेंगू का सीवियर फॉर्म होता है उसमें डेंगू हेमरेजिक फीवर होता है और डेंगू शॉक सिंड्रोम होता है जिसमें बहुत ज़्यादा ब्लड प्रेशर लो हो जाता है। दिल्ली में डेंगू मरीजों की बढ़ती संख्या इसलिए भी चिंताजनक है क्योंकि हाल के कुछ सालों में दिल्ली में डेंगू का ऐसा कहर नहीं दिखा है। दिल्ली में इस साल अब तक 2700 से ज्यादा डेंगू के मामले सामने आए हैं जबकि पिछले साल डेंगू के कुल 1072 केस थे। इससे पहले साल 2019 में डेंगू के 2036 मरीज थे। लेकिन इस बार डेंगू जिस तेजी से अपने पैर पसार रहा है लोगों के दिलों में डर है कि कहीं राजधानी को फिर साल 2015 जैसा दौर न देखना पड़े। साल 2015 में दिल्ली में डेंगू का भारी प्रकोप देखा गया था। तब अक्टूबर महीने में ही डेंगू के मरीजों की संख्या 10,600 के पार पहुंच गई थी। डेंगू की रोकथाम के लिए जरूरी है कि मच्छरों की जो ब्रीडिंग प्लेसेस हैं उनको, पानी को वहां से हटाएं और मच्छरों को ब्रीड न करने दें। उसके लिए प्रशासनिक तौर पर गंबुजिया फिश डाली जाती है जो लार्वा को खाती है। इसके अलावा एंटी मॉस्किटो स्प्रे होते हैं, फॉगिंग होती है मच्छरों के लिए। और सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि हमको पूरे कपड़े पहनने चाहिए और इसके साथ साथ मच्छरदानी का प्रयोग करना चाहिए।
बच्चों के फेस पर ना लगाकर मॉस्किटो रेपेलेंट क्रीम्स जो है उनकी मसेरी पर या लकड़ी के हिस्से पर लगानी चाहिए और बच्चों को जो है मच्छरों से बचा के रखना चाहिए। ऐसे में डेंगू के मरीजों की बढ़ती संख्या चेतावनी का संकेत है, क्योंकि अगर डेंगू इसी तेजी से बढ़ता रहा तो आने वाले दिनों में अस्पतालों में इलाज के लिए मारामारी बढ़ सकती है। दिल्ली से स्नेहा निशा माथुर और अमित भारद्वाज के साथ आज तक ब्यूरो। तो हमारे सहयोगियों की आपने रिपोर्ट देखी और डॉक्टर एम वाली जैसा कि इस रिपोर्ट में बता रहे थे डेंगू के सिम्टम्स और प्रिकॉशंस के बारे में, उनका आप जरूर ख्याल रखिए, क्योंकि दिल्ली ही नहीं उत्तर प्रदेश में भी डेंगू का प्रकोप बढ़ता जा रहा है। उत्तर प्रदेश के अलग अलग इलाकों में डेंगू के मरीजों की संख्या तेजी से बढ़ रही है। कोरोना के बाद डेंगू एक बड़ा संकट बनकर सामने आया है। डेंगू का ऐसा कहर जिसने पूरे सूबे को खौफ में डाल दिया है, जिसने लोगों को दहशत जदा कर दिया है, जिसने सैकड़ों लोगों को अस्पताल पहुंचा दिया है। यूपी में भी बदलते मौसम के बीच डेंगू का प्रकोप बहुत तेजी से बढ़ रहा है। शहर शहर के अस्पतालों में डेंगू मरीजों की संख्या में तेजी से इजाफा हो रहा है। यूपी के कई जिलों में हाल के दिनों में डेंगू के मरीज बढ़ रहे हैं। आफत का आलम यह है कि लोग बुखार से तपते मरीजों को लेकर अस्पताल पहुंच रहे हैं और इलाज के लिए जद्दोजहद कर रहे हैं। यूपी के बरेली में डेंगू कहर बनता जा रहा है। यहां अब तक 400 से ज्यादा डेंगू के केस आ चुके हैं। चिंता की बात यह है कि डेंगू बुखार से यहां 6 लोग अपनी जान भी गंवा चुके हैं। डेंगू की स्थिति का लगभग पूरे जनवरी से लेकर के अभी तक 422 केस निकल चुके हैं, इसमें 6-7 की मृत्यु हुई अभी तक। और अब इसमें डेंगू हमारे जनपद में कंट्रोल हो रहा है। कल 3 केस निकले थे, इससे पहले कोई केस था नहीं, इससे पहले साफ पहले की तुलना में हम लोग निरोधात्मक कार्रवाई कर रहे हैं। डेंगू के मरीजों की संख्या बढ़ने से स्वास्थ्य विभाग और प्रशासन में हड़कंप है। खतरे के बीच लोगों को जागरूक करने के लिए टीमों का गठन कर दिया गया है। सहारनपुर में भी हालात तेजी से बिगड़ रहे हैं। डेंगू के मरीजों की संख्या यहाँ 400 के करीब पहुँच गई है। अभी जिले में डेंगू से किसी मरीज की मौत की सूचना तो नहीं, लेकिन अस्पतालों में डेंगू के मरीजों की बढ़ती संख्या डरा रही है। बुखार के केसेस अभी भी आ रहे हैं काफी पीएससी सीएससी पे जिला अस्पताल में, लेकिन पहले के मुकाबले जो अब कुछ कम हो गई है ओपीडी। फीवर केसेस भी कुछ कम है और अभी तक क्रमिक जो है वो 387 केसेस डेंगू के हमारे पास हैं। अभी क्या कोई डेथ भी हुई है? नहीं जी, डेथ कोई नहीं हुई है। सहारनपुर में कोई डेथ नहीं है डेंगू से। हरदोई के हालात भी चिंताजनक हैं। कुछ दिनों में यहां डेंगू के मरीज अचानक बढ़े हैं। अक्टूबर महीने में यहां डेंगू के 580 मामले सामने आए थे, जबकि नवंबर महीने में मरीजों का आंकड़ा 100 के करीब पहुंच गया है। डेंगू बुखार वाली इस आफत के बीच फिरोजाबाद मेडिकल कॉलेज प्रशासन का दावा है कि यहां डेंगू का कोई मरीज नहीं आया। अभी परसों एक केस आया था जो डेंगू पॉजिटिव था हमारे यहाँ, बाकी कल भी एक भी केस नहीं आया, आज भी केस नहीं आया। लगभग इस समय 19 केस बच्चे भर्ती हैं, लेकिन उनमें डेंगू का कोई भी केस नहीं है। हालांकि जिस तरह से बुखार के मरीज मेडिकल कॉलेज आ रहे हैं वो इस दावों पर सवाल उठाते हैं। यूपी के जिले में डेंगू बुखार लोगों को अपनी चपेट में लेता जा रहा है और कई शहरों में मरीजों की संख्या चिंता बढ़ा रही है। आज तक ब्यूरो। डेंगू बुखार बड़े बुजुर्ग और बच्चों को भी अपनी चपेट में ले लेता है, इसीलिए किसी भी तरह का लक्षण अगर आप देखें तो उसे नजरअंदाज ना करें, क्योंकि डेंगू बुखार ना सिर्फ घातक है बल्कि जानलेवा भी साबित हो सकता है। उत्तर भारत के कई राज्य डेंगू की चपेट में है। पंजाब, यूपी, हरियाणा, राजस्थान, जम्मू कश्मीर जैसे राज्यों में डेंगू ने तेजी से पांव पसार लिया है। इस साल डेंगू की वजह से मौतों के आंकड़े भी तेजी से बढ़ रहे हैं। डेंगू ने देश की राजधानी दिल्ली में ही डंक नहीं मार रखा है, बल्कि देश के कई राज्य इसकी मार झेल रहे हैं। पिछले वर्षों की तुलना में डेंगू फैलाने वाले मच्छर से पीड़ित मरीजों की संख्या काफी बढ़ी है। पंजाब में इस साल डेंगू के मामलों ने पिछले सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं।
पंजाब में डेंगू के मामले 18,266 के आंकड़े को छू चुके हैं और कम से कम 60 लोगों की मौत हुई है। मोहाली पंजाब का सबसे ज्यादा डेंगू प्रभावित जिला है, जहां राज्य के कुल मौतों की आधी मौतें हुई हैं। मोहाली के अलावा भटिंडा, अमृतसर, होशियारपुर, पठानकोट, मुक्तसर और लुधियाना में डेंगू की मार सबसे ज्यादा है। सबसे ज्यादा मामले 3168 मोहाली जिला के इसी अस्पताल में उपचाराधीन है। इनमें से 32 संदिग्ध डेंगू मरीजों की मौत भी हो चुकी है। इसके अलावा आप भटिंडा की बात कर लीजिए, लुधियाना की बात कर लीजिए, पठानकोट की बात कर लीजिए या फिर होशियारपुर की, इन सब जिलों में डेंगू के सबसे ज्यादा मामले सामने आए हैं। हुन हाउस टू हाउस सर्वे चल रहे हैं, लार्वी सिडल एक्टिविटी चल रही है, पब्लिक अवेयरनेस कैंपेन चल रहे हैं और फॉगिंग जो म्यूनसिपल कारपोरेशन वालों पिंडा विच बीडीपी वालों और जिथे कितने लार्वा मिलता है घर के आले दुआले ते घर के इनसाइड हेल्थ डिपार्टमेंट वालों की जा रही है। पंजाब के अलावा हरियाणा के कई जिलों में भी डेंगू ने पांव पसार दिए हैं। ये हरियाणा का फतेहाबाद है, जहां डेंगू के तेज संक्रमण का पता लगाने के लिए पंचकुला से विशेष टीम पहुंची है। विशेष टीम लोगों के घरों तक जाकर निरीक्षण कर रही है। फतेहाबाद में अब तक 800 से ज्यादा डेंगू के मामले रिपोर्ट हुए हैं। अम्बाला में भी डेंगू ने बीते 5 वर्षों का रिकॉर्ड तोड़ा है। जिले में तकरीबन 500 डेंगू के सक्रिय केस हैं। हरियाणा सरकार का दावा है कि डेंगू की रोकथाम के लिए उसकी तैयारी पूरी है। नहीं, डेंगू के लिए हमने सारी व्यवस्थाएं अपने अस्पतालों में की हैं और हर तरह से जो भी आवश्यकताएं थी हमने वो की है और हमने इसके लिए सब जगह पर फॉगिंग भी करवाई है और अब ये धीरे धीरे नियंत्रण में आ रहा है। ये राजस्थान का सबसे बड़ा सरकारी अस्पताल सवाई मानसिंह है। जयपुर के इस अस्पताल में इस साल कम से कम 58 मरीजों ने डेंगू से अपनी जान गंवाई है। पूरे राज्य में 13,000 से ज्यादा डेंगू मरीजों की पहचान हो चुकी है। पिछले वर्ष के मुकाबले डेंगू के बढ़े मामले डेंगू के एक खास वेरिएंट की वजह से है। राजस्थान में करीब 1.5 साल तक कोविड-19 ने जो कहर बरपाया उसके बाद अब डेंगू विकराल रूप लेता जा रहा है। इसका डेन टू वेरिएंट घातक साबित हो रहा है और केवल जयपुर के सरकारी सवाई मानसिंह अस्पताल में इस साल 50 से ज़्यादा डेंगू से मौतें हो चुकी हैं, जबकि सरकारी आंकड़े कुछ और ही कहानी बयान कर रहे हैं। डेंगू एक तरीके का वायरल इलनेस है, जो वायरस का नाम है डेन वन, जिसके 4 प्रकार होते हैं, डेन वन टू डेन फोर। ये प्रेजेंट करता है फीवर मॉडरेट टू हाई डिग्रीज प्लस लॉट ऑफ चिल्स एंड राइगर्स, सिग्निफिकेंट बॉडी एक्स। जब ये हॉस्पिटल में आता है तो इन पेशेंट्स के प्लेटलेट काउंट्स कम होते हैं, जिसकी वजह से ब्लीडिंग कॉम्प्लिकेशंस हो जाती हैं। राजस्थान में जयपुर के अलावा बीकानेर और बाड़मेर में डेंगू की मार सबसे ज्यादा है। गहलोत सरकार ने 15 दिनों का डेंगू मुक्त अभियान चलाया, लेकिन उसका ज्यादा असर नहीं दिख रहा है। इलाज तो ठीक है और मतलब पीठ में दर्द हो रहा था, पूरे शरीर में दर्द, उल्टी होती है, सर दुखता है, बैठा नहीं जाता। 77 आई, उसके बाद फिर 34 आ गई, फिर 19 आ गई, ऐसे फिर घबरा गए तो फिर यहाँ पे ट्रीटमेंट करवाया है। परसों किसी के जरिए यहाँ पे आए, फिर उन्होंने अच्छा करवाया, फिर अब सही हुआ। राजस्थान की तरह जम्मू कश्मीर में भी डेंगू की जबरदस्त मार पड़ी है। जम्मू कश्मीर में अब तक 1,175 डेंगू मामले रिपोर्ट हुए हैं। अधिकतर केस जम्मू डिवीजन में पाए गए हैं। डेंगू के प्रकोप से बचने के लिए जम्मू कश्मीर स्वास्थ्य विभाग ने स्पेशल वार्ड्स बनाए हैं। केंद्र से एक टीम ने राज्य का दौरा भी किया है। जहां एक तरफ कोविड-19 के मामलों में भारी गिरावट हुई है, वहीं दूसरी तरफ जम्मू कश्मीर में डेंगू के मामलों में उछाल देखने को मिल रहा है। इसको लेकर स्वास्थ्य विभाग खासा चिंतित है, इसीलिए जम्मू कश्मीर के अस्पतालों में विशेष वार्ड बनाए जा रहे हैं ताकि डेंगू के मरीजों का अच्छे से इलाज हो सके। इस समय हम मौजूद हैं जम्मू के श्री महाराजा गुलाब सिंह अस्पताल में और यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि जो डेंगू के जो मरीज हैं उनके लिए खास वार्ड बनाए गए हैं ताकि उनका उपचार जो है सुचारू रूप से हो। राज्यों पर पड़ रही डेंगू की मार केंद्र सरकार की चिंता बढ़ा रही है।
पिछले हफ्ते ही हरियाणा, केरल, पंजाब, राजस्थान, तमिलनाडु, यूपी, उत्तराखंड, दिल्ली और जम्मू कश्मीर में केंद्रीय टीमें भेजी गई थी। चंडीगढ़ से मंजीत सहगल और जयपुर से देव अंकुर के साथ सुनील जी भट्ट, जम्मू आज तक। ये रिपोर्ट डेंगू से आपको आगाह करने के लिए, सावधान करने के लिए। खुद का ख्याल रखें, अपने परिवार का ख्याल रखें, डेंगू से बचें। वक्त एक ब्रेक का है, चल लौट रहे हैं, देखते रहिए आज तक। और अब आपको दिल्ली की वो तस्वीर दिखाते हैं जिसने सभी को हैरान कर दिया है। दिल्ली वालों पर किस कदर प्रदूषण का खतरा मंडरा रहा है, इन दो तस्वीरों को देखकर आप समझ सकते हैं। यमुना की हालत दिन ब दिन खराब होती जा रही है, प्रदूषण का स्तर बढ़ता जा रहा है और ये जहरीली झाग यमुना नदी पर तैरती हुई दिल्ली वालों की जान पर खतरा बनी हुई है। वक्त एक ब्रेक का है, खबरों का सिलसिला आज तक पर लगातार जारी है, बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए आज।